अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न वालों के घर में अशुभता आती है क्योंकि इनके घर में अनावश्यक क्लेश होता है और इनकी रसोई सिस्टम में नहीं होती, जिस वजह से इनके घर में अशुभता पैदा होती है। बेवजह का क्लेश और खराब रसोई इनके लिए समस्या पैदा करती है। तुला लग्न वालों को घर में शांति रखनी चाहिए और पूजा उपासना पर अपने घर में विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपनी रसोई ठीक रखनी चाहिए ताकि आपके घर में अशुभता पैदा ना होने पाए। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वालों के घर में अक्सर पानी की गड़बड़ी होती है, टैप खराब होता है, पानी चूता रहता है, पानी बर्बाद होता है और बेवजह की सीलन बनी रहती है। वृश्चिक वालों के घर में पानी के मामलों को लेकर गड़बड़ियां रहती हैं, इसीलिए अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो घर में पानी की स्थिति पर जरूर ध्यान दें, सीलन पर भी जरूर ध्यान दें। अगर इन दो चीजों को आप ठीक रखें आपके घर में अशुभता नहीं आएगी। धनु लग्न। धनु लग्न वालों के घर में बिजली का मामला अक्सर गड़बड़ होता है, बल्ब फ्यूज होते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, वायरिंग खराब होती है। रसोई में धनु लग्न वालों के गंदगी जरूर होती है और रसोई आम तौर पर अव्यवस्थित रहती है। तो अगर आपका धनु लग्न है तो घर में बिजली की वायरिंग पर ध्यान दीजिए। आपके घर में बिजली की वायरिंग कैसी है उसका ध्यान दें और अपनी रसोई को साफ सुथरा रखें, व्यवस्थित रखें। आपके घर में अशुभता नहीं रहेगी और आपके घर में शुभता जरूर आएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।